ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन तरह की स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, उसमें सीक्वेंस है, सिलेक्शन है और आइट्रेशन या लूप। ठीक है, अब उसमें हम लोग उसके बाद हमने पढ़ा है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को रीड किया है। अब हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। चूंकि ये एक दूसरे से ही रिलेट करती आ रही है, पहले हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर उससे रिलेट कर रही थी इफ एल्स स्टेटमेंट, उसको हमने देखा। अब हमारे पास थर्ड है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर एक और इफ स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट का यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। If statement within another if statement is called nested if statement. It is used for multi-way decision making. जब हमने एक से ज्यादा अगर हमने statements के through decide करना है तो उसके लिए हम जो है वो nested if statement को use करते हैं। If else statement में सिर्फ हम दो ही उसमें conditions होती हैं, यानी कि एक हमने condition दे दी तो या वो true होगी या false होगी। ठीक है, means कि आपके पास उसमें एक ही कंडीशन यूज हो रही है और उसके अगेंस्ट जो है वो दो स्टेटमेंट होती है, एक ट्रू वाली और एक फॉल्स वाली, उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ हम वहां पे यूज करते हैं जब एक या एक दो या दो से ज्यादा हमने कंडीशंस को टेस्ट करना हो। ठीक है, और वहां से फिर हमने अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो लेना है तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसलिए हम इसको मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। नेस्टिंग कैन बी डन अप to any level. Increase in nesting also increase the complexity of a program. Nesting जो है वो किसी भी level पे की जा सकती है, लेकिन इसका जो है वो disadvantage ये है कि जैसे जैसे हम nesting को increase करेंगे, means कि जितनी ज्यादा हम statements को use करेंगे, अब if statement के अंदर हमने एक और if use कर ली, means कि हम अगर इसके आगे जो है वो if else statement है उसमें भी हमारे पास क्या होता है कि different if statements use होती है, तो जितनी नेस्टिंग को हम इंक्रीज करते जाएंगे उतनी हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है। मींस के प्रोग्राम जो वो कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, फिर उसमें चेंजिंग करना, उसमें से एरर फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। द एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। इसमें आपके पास जो है वो एल्स स्टेटमेंट ऑप्शनल होती है कि इसमें नेस्टेड इफ के एक तो हमने इफ स्टेटमेंट यूज कर ली, उसके अंदर जो हमने इफ स्टेटमेंट यूज करनी है उसके अंदर हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट की ऑप्शनल होती है कि आप एल स्टेटमेंट यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इट इज यूज विद आउटर और इनर इफ स्टेटमेंट। एल्स जो है वो आपके पास या आपकी मर्जी है कि आप जो है वो आउटर इफ स्टेटमेंट में भी एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं या इनर इफ से, क्योंकि एक तो एल्स हमारे पास यूज होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट से हमने इसको नेक्स्ट किया है तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। इसमें चूंकि इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक एल्स की स्टेटमेंट यूज होगी। अब वो आपकी मर्जी है, वो ऑप्शनल होता है कि वो आप जो है वो या तो आप इफ स्टेटमेंट जो इनर इफ स्टेटमेंट आपने यूज की है उसमें भी आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपने उसमें नहीं करना तो जो आपके पास इनर इफ स्टेटमेंट की बॉडी खत्म होगी तो उसके बाहर आप एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम सेंटेक्स देखते हैं। पहले सिंटेक्स क्या होता है कि ये इफ कंडीशन जो हमने पहले यूज की है। ठीक है, ये तो होगी इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन के अंदर हमने एक और इफ कंडीशन यूज कर ली है, अब उसके लिए जो स्टेटमेंट लिखनी है वो हमने लिख दी है। उसके बाद ये हमारे पास बॉडी उसकी बंद होगी इनर इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, उसके बाद आपके पास आपकी मर्जी, आप एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं या फिर ये बॉडी कंप्लीट होने के बाद आप एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। इफ एल्स ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के जरिए एक एग्जाम्पल सॉल्व की है। वो क्या है कि हमने थ्री नंबर्स हैं हमारे पास, अब हमने उसमें से देखना है कि उन तीनों में से ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, लाइक एक नंबर जो है वो हमारे पास है 48, एक नंबर हमारे पास है 30 और एक नंबर है 25। ठीक है, अब ये नंबर आपने यूजर से ही लेने हैं। यूजर से हम थ्री नंबर्स लेंगे और प्रोग्राम के जरिए हमने उसको कैलकुलेट करवाना है कि यूजर ने जो तीनों नंबर एंटर किए हैं उन तीनों में से ग्रेटर कौन सा है।
अब उसका कंपैरिजन होता है, चूंकि अब तीन नंबर हमारे पास है, तीनों के लिए हमने कंपैरिजन करना है। अगर तो दो होते तो फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए भी उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब हमारे पास तीन नंबर्स हैं, अब उसके लिए पहले कंडीशन ये होगी कि पहले हम ए को कंपेयर करेंगे बी के साथ, ठीक है। उसमें से हमें पता चल जाएगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। अब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे ए को सी के साथ, फिर हम कंपेयर करेंगे बी को सी के साथ, ठीक है। तीन तरह की कंडीशन है और इन तीनों से फिर हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, चूंकि तीन नंबर है तो तीन हम इंटीजर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंटीजर जो है वो डेटा टाइप ए बी सी, उसके वेरिएबल्स हमने यूज कर लिए, ठीक है। अब यूजर से हमने क्या करना है, तीन नंबर हमने इनपुट लेने हैं तो पहले प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज करेंगे, एंटर थ्री नंबर्स। यहाँ से यूजर जो है वो थ्री नंबर एंटर करेगा और वो स्टोर हो जाएंगे ए बी और सी में बाय द यूज ऑफ स्कैन एफ स्टेटमेंट। अब पहले हम कंडीशन लगेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो मेन इफ की स्टेटमेंट हमने यूज कर ली। अब इसके अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास कहलाएगी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ के अंदर ही एक और इफ स्टेटमेंट का यूज जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। अब अगली इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए जो है वो सी से बड़ा है, अगर तो वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो करवा दे फर्स्ट वैल्यू ए इज लार्जेस्ट, मीन्स कि अगर ए सी से बड़ा होगा तो वो प्रिंट करवा दे कि ए इज लार्जेस्ट, अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा द थर्ड वैल्यू सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन वो करेगा तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ए बड़ी है या सी बड़ी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वाली बॉडी है वो बंद हो गई। अब एल्स स्टेटमेंट, एल्स में हमारे पास क्या आ रहा है, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है तो वो क्या करवा दे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो बी वाली लार्जेस्ट वैल्यू है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर सी वाली लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वाली बड़ी वैल्यू है, वो फिर तीनों का कंपैरिजन, ऊपर से हमने कंपैरिजन करवा लिया ए और सी का और नीचे से करवा लिया बी और सी का। जब इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। लाइक अब मैं आपको थ्रू एग्जाम्पल इसको समझा देती हूँ कि आपके पास जो है वो पता चल गया कि आप यूजर ने एंटर किया है 50, वो चले जाएगी ए में, फिर सेकंड वैल्यू उसने एंटर की है 60, वो चले जाएगी बी में, और थर्ड वैल्यू उसने एंटर की है 25, ठीक है, वो स्टोर हो जाएगी सी में। अब ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 60 है और सी की 25 है। अब थ्रू एग्जांपल अगर हम इसको देखें, पहली कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन सी, अब ए की वैल्यू क्या थी 50 और सी की 25। अब यहाँ पे जब वो कंडीशन को टेस्ट करेगा तो क्या ए सी से बड़ा है, यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, ठीक है। तो वो पहली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, दूसरी को इग्नोर कर देगा, मीन्स के यहाँ पे वो प्रिंट करवा देगा ए इज लार्जेस्ट, ठीक है। एल्स अगर ये मतलब आपके पास वैल्यू ट्रू नहीं हो रही, आप चले जाएंगे अगली वाली बी वाली पे, बी को कंपेयर करेंगे सी के साथ। अब बी की वैल्यू क्या थी 60, बी की वैल्यू 60 और सी की 25, यहाँ पे वो देखेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू बन रही है तो यहाँ से वो प्रिंट करवा देगा सेकंड वैल्यू बी इज लार्जेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास बी लार्जेस्ट प्रिंट हो जाएगी और थर्ड वाली जो है वो इग्नोर हो जाएगी क्योंकि वो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए है। तो यहाँ पे प्रिंट जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, बी इज लार्जेस्ट। तो थ्रू एग्जाम्पल नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है वो हमने यूज करके यहाँ से हमने कंपैरिजन किया तो पता चला कि इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट का यूज जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। इसका जो है हमारे पास फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से है कि डिफरेंट कंडीशंस आपके पास यूज होती हैं। जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसमें आपके पास क्या होता है, ए की कंडीशन यूज होती है और उसके अगेंस्ट टू स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है कि आप डिफरेंट कंडीशंस को यूज करते हैं, अब उसमें से जो ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी सारी जो है वो इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। अब लाइक कंडीशन वन है, अगर तो ट्रू होगी तो वो कंडीशन वन की स्टेटमेंट को रीड करता हुआ नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर वो फॉल्स होगी तो वो आ जाएगा कंडीशन टू पे, अगर कंडीशन टू जो है वो ट्रू होगी तो वो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर फॉल्स होगी तो वो
कंडीशन थ्री पे चला जाएगा। फिर कंडीशन थ्री अगर जो ट्रू होती है तो वो कंडीशन थ्री की जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर फॉल्स होगी तो वो अगली स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का टॉपिक।